दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। आज हम बात करेंगे सिबिल स्कोर क्या है, इसे कैसे फ्री में चेक कर सकते हैं और इसे जानना हम सबके लिए क्यों आवश्यक है। मित्रों, सिबिल स्कोर जब कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देता है तो उससे पहले आपका चेक कर सकता है। सिबिल स्कोर एक 3 अंकों की संख्या है जो 300 से शुरू होकर 900 पर ख़त्म होती है। 900 का मतलब है बहुत अच्छा, 300 का मतलब है बहुत ख़राब। इसे हम क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर दोनों नामों से जानते हैं। मित्रों, आप 900 के जितना ही करीब होंगे आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में उतनी ही आसानी होगी, बैंक आपको आसानी से दे देगा। वहीं जितना आप 300 के करीब होंगे उतनी ही आपकी लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावनाएँ कम हो जाएंगी। दोस्तों, 675 से नीचे लगभग सभी बैंक, जब आपका स्कोर 675 से नीचे होगा सभी बैंक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने से मना कर देते हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 675 से ऊपर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यह कैसे काम करता है। सिबिल स्कोर एक दर्पण की तरह है, जैसे आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं उसी तरीके से सिबिल स्कोर आपके द्वारा लिए गए सभी ऋणों को, भारत में आपने कहीं भी कोई भी ऋण चाहे बैंक से लिया हो या किसी वित्तीय संस्थान से लिया हो, उन सभी को दर्शाता है कि आपने अभी तक अपने खातों को कैसे चलाया है, आपका कौन सा खाता ख़राब है, कौन सा ओवरड्यू है, उन सभी खातों की डिटेल बैंक के सामने आ जाती है। बैंक आपसे पैन या आधार कार्ड, इन दोनों में से कोई एक या दोनों मांगकर बैंक चेक कर लेता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। आपके जितने भी लोन खाते होंगे वो उनके सामने होंगे, तो आप अब उनसे झूठ नहीं बोल सकते कि मेरा कहीं कोई लोन नहीं है, या आप नोडूज की भी आवश्यकता नहीं है बैंक को कराने की। बस आपका पैन या आपका आधार नंबर डालकर वो आपका सिबिल स्कोर चेक कर लेंगे और उससे पता चल जाएगा आपने कहां कहां और कौन कौन से लोन ले रखे हैं। मित्रों, सिबिल स्कोर हर 3 महीने में अपडेट होता है। मान लीजिए आपका कोई खाता आज ख़राब है और आपने उसे कल जमा करके सही कर लिया, तो आपका कल या उसके अगले दिन सिबिल स्कोर सही नहीं होगा। इसके लिए आपको 3 महीने का इंतज़ार करना होगा, 3 महीने के बाद आपका सिबिल स्कोर सही हो जाएगा। तो मित्रों, आप अपने सिबिल स्कोर को सही रखिए ताकि बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान से आपको लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में कोई समस्या ना हो। और इसे अब मैं बात करूंगा फ्री में कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक विस्फिन की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं फ्री में। और एक बात जो आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, बार बार अपना सिबिल स्कोर चेक करने से भी आपका सिबिल स्कोर ख़राब होता है। अगर बार बार आप अपना सिबिल चेक करते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर लो होता है, इसलिए आप बिना वजह अपना सिबिल स्कोर चेक ना करें। बाकी फ्री में सिबिल चेक करने के लिए उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।